देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले किसानों को प्रदर्शन को देखते हुए टीकरी बॉर्डर पर जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी वो सुरक्षा व्यवस्था पीछे खींच ली गई है। दिल्ली पुलिस पीछे हट गई है। अब किसानों को बेरोक टोक इस प्रदर्शन में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। इस वक्त हम खड़े हैं टीकरी बॉर्डर पर। एक तरफ का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाहन बेरोक टोक राजधानी दिल्ली में एंटर कर रहे हैं। कल इस रास्ते को संकरा कर दिया गया था, बड़े बड़े कंक्रीट और लोहे के बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को भीड़ा करने का काम किया गया था, लेकिन अब ये रास्ता पूरी तरह से खोल दिया गया है। वाहन आराम से आसानी से दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पुलिसकर्मी भी काफी संख्या में कल दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज इक्का दुक्का पुलिसकर्मी ही यहाँ पर हैं। सभी पुलिस कर्मचारी पीछे हट गए हैं। अब किसान बेरोक टोक इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जब किसानों से हमारी बात हुई तो किसानों का कहना था कि प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, वो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि अगर उन्हें रोका जाता तो वे जहाँ पर उन्हें रोका जाता वहीं पर अपना प्रदर्शन शुरू कर देते। लेकिन खास बात ये है कि पंजाब के कुछ संगठनों ने इस प्रदर्शन से दूरी बनाई है। कुछ किसान संगठन जैसे भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा है, भारतीय किसान यूनियन राजेवाल गुट है, वो इस प्रदर्शन से दूरी बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत भी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की बात कह रहे हैं। हालांकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो 6 सितंबर को बैठक करेगा, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे प्रदर्शन किस तरीके से चलेगा, किसान आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जिस दिन सड़क मोर्चे से किसान उठकर वापस घर गए थे उस दिन भी मांगे वही थी कि MSP उन्हें दिलाई जाए। कमेटी का गठन भी किया सरकार ने, लेकिन उस कमेटी की बैठक भी आज ही होनी है। और एक तरफ किसान भी जो है अपना प्रदर्शन जंतर मंतर पर करने वाले हैं। गतिरोध खत्म नहीं हुआ है, ना ही किसानों की मांगे खत्म हुई हैं। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और आगे भी आंदोलन को बढ़ाने की बात की जा रही है।